मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद में इस्लाम के बुनियादी अराकीन में से नमाज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। नमाज को हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज करार दिया गया है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बार बार ताकीद की कि वो नमाज को हरगिज मत छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे पाक है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब नमाज में सजदा करता है तो वो अपने रब के ज्यादा करीब हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको एक जदीद तहकीक के बारे में बताएंगे कि जब साइंसदानों ने नमाज पढ़ते हुए अफराद के दिमाग के साथ जदीद मेडिकल आलात लगाए तो उन्हें क्या हैरतअंगेज नतायज देखने को मिले। मोहतरम नाजरीन, ये रिसर्च मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में की गई। यूनिवर्सिटी में साइंसदानों की एक टीम ने नमाज में मसरूफ अफराद के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को नमाज के मुख्तलिफ मराहल के दौरान यानी कयाम, रुकू, सुजूद और तशहुद में दिमाग के अंदर मौजूद अंदरूनी लहरों का यानी सिग्नल्स का मुआयना किया गया और तहकीक के बाद नताइज से ये बात सामने आई कि नमाज में खुसूसन सजदे की हालत में दिमाग में मौजूद अल्फा वेव्स की एक्टिविटी में इजाफा पाया गया। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें कि अल्फा वेव्स दिमाग में खुशी, सुकून और इत्मीनान के जज्बात पैदा करती हैं। ये वेव्स दिमाग से परेशानियों को ख़त्म करने और इंसानी दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर करने में भी मुआविन साबित होती है। सजदे के दौरान अल्फा वेव्स की सरगर्मी का बढ़ जाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की 100% तस्दीक करता है कि मुसलमान सजदे के दौरान अपने रब के बहुत करीब हो जाता है।